हाय स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, कैसे हो भैया आप? देखिए, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। फर्स्ट एक्सरसाइज तक हमने कंप्लीट कर दिया, आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम को आज कार्टेशियन सिस्टम स्टार्ट करेंगे हम। कार्टेशियन सिस्टम है क्या, किस प्रकार से, सब कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट चैप्टर में नंबर लाइन का था, तो किसी भी नंबर को हम क्या करते थे, नंबर लाइन के ऊपर फिक्स कर देते थे। ठीक है, जैसे ये कोई भी हमारी नंबर लाइन थी, जहां से ये नंबर वन था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इसके बीच में डिस्टेंस होगी वन यूनिट। सिमिलरली वन से टू, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, इनके बीच में भी डिस्टेंस वैसे तो होगी वन यूनिट, वन और टू के बीच में। लेकिन हम इनकी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते थे, जिस पॉइंट से मेजर करते थे, जीरो से मेजर करते थे। जीरो के एक साइड में तो ये पॉजिटिव हो जाते थे, जीरो के दूसरी साइड में क्या हो जाते थे, ये नेगेटिव नंबर्स हो जाते थे। ठीक है, और जिस पॉइंट से हम इसको मेजर करते थे, उस पॉइंट को क्या बोला जाता था, इसका ओरिजिन बोला जाता था। क्या बोलते थे भैया हम उसको, ओरिजिन बोलते थे इसको। ठीक है, नंबर सिस्टम में नंबर लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर करते थे तो इसके डिस्टेंस, इसके वैल्यू कितनी हो जाती, वन टू थ्री, इस प्रकार से। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हमने इसको मेजर करना होता तो ये माइनस वन हो जाता, माइनस टू हो जाता, इस प्रकार से। ये माइनस टू किस भी आप पे करते थे हम, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और इसके डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते थे हम, इसके डिस्टेंस हम जीरो से मेजर करते थे, इसको क्या बोलते थे, इसका ओरिजिन बोलते थे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें प्लेन के अंदर कार्टेशियन सिस्टम की, तो कार्टेशियन सिस्टम है क्या, इसके लिए रेने डिस्कार्ट्स नाम के मैथमेटिशियन ने एक आइडिया दिया था कि भाई दो लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के साथ प्लेन के अंदर। तो दो लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर कई तरीके से हो सकती हैं, ये भी दो लाइन है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ये भी दो लाइन है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगी, सिमिलरली ये भी दो लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगी, इसके कई तरीके हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये भी कोई दो लाइन है जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो तीनों में अलग अलग हैं। अब इन सभी में फ़र्क क्या है, इसके और इन सब में फ़र्क ये है, इसमें जो लाइन नंबर लाइन है वे हमारी इस प्रकार से हैं कि कोई भी दो लाइन है जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, उसमें से एक तो कैसी है, ओरिजेंटल लाइन है, और एक कैसी है, वर्टिकल लाइन है। इसी को प्रेफरेंस दिया था भैया इस चैप्टर में, है ना। तो जो भी हम दो लाइन लेंगे परपेंडिकुलर लाइन, वे ऐसी लेंगे, एक तो ओरिजेंटल होगी, एक वर्टिकल होगी। इस लाइन, वैसे तो प्लेन के अंदर ये लाइन भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, कई तरीके हैं, लेकिन प्रेफरेंस गोज टू दिस लाइन नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम कार्टेशियन सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, कोई भी दो नंबर लाइन लेंगे, क्या लेंगे, कोई भी दो नंबर्स लाइन लेंगे। नंबर लाइन हमने ले ली, कार्टेशियन सिस्टम बना रहे हैं तो इस लाइन के ऊपर काम करेंगे। इस प्रकार से कैसे लेंगे, कोई भी दो नंबर लाइन ले ली, एक ले ली मैंने ये वर्टिकल, इसका नाम मैंने रख लिया वाई वाई डैश, वाई वाई डैश। इसके ऊपर मैंने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे ये तो जीरो हो गया, इसको तो हम ओरिजिन बोल देते थे, वन टू थ्री फोर फाइव, इस प्रकार से माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, इस प्रकार से। ये जीरो, इसको ओरिजिन जीरो, ये वन टू थ्री फोर फाइव, इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। ये तो कौन सी लाइन होगी, ये तुम्हारी कोई भी एक वर्टिकल लाइन होगी, जिसका नाम मैंने दे दिया वाई वाई डैश। उसके बाद अब एक लाइन होगी ये, इसको एक ओरिजेंटल लाइन दे दी, एक्स एक्स डैश नाम दे दिया, ये इसका ओरिजिन हो जाएगा। इसके ऊपर नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, सॉरी माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वन टू थ्री, इस प्रकार से। अब इन दोनों लाइन को इस प्रकार से लेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर भी किस तरह से होनी चाहिए,
परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ उस पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए जो दोनों लाइंस का ओरिजिन है, यानी कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ ओरिजिन के ऊपर क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ओरिजिन के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी कि इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स एक्स डैश एक तो ये होगी, और वर्टिकल लाइन थी इसको क्या नाम दे देंगे हम, वाई वाई डैश। जैसे ओरिजेंटल लाइन थी इसकी 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 ये ओरिजिन हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, ये ओरिजिन हो जाएगा। ओरिजिन को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेन के अंदर ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये दूसरी लाइन होगी हमारी, हो जाएगी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार से ये चल रही है। जैसे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 +1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार से ये लाइन होगी, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों इसी के ब्याप पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे तक डिस्कस करेंगे, इसी फिगर से मान लो आप, ठीक है। तो इस ये क्या बोला जाएगा, इसको तो ओरिजिन बोला जाएगा। जो ओरिजेंटल लाइन है, ओरिजेंटल लाइन कौन सी हमारी, ओरिजेंटल लाइन हमारी एक्स एक्स डैश है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे भैया, एक्स एक्सिस बोलेंगे। और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन कौन सी है, वाई वाई डैश है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी हमारी, ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद ओरिजेंटल लाइन एक्स एक्स डैश में जो इधर वाला पोर्शन है, ओरिजिन से लेकर इधर वाला, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओ एक्स को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ओ एक्स डैश को इधर वाला, इसको समझ गए होगे आप, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली ओ वाई को क्या बोलेंगे, ओ वाई को हम बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सिमिलरली ओ वाई डैश को क्या बोला जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये इसकी पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन होगी। कोई भी दो ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को किस प्रकार से परपेंडिकुलर करेंगी, ओरिजिन के ऊपर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, और इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ओरिजेंटल लाइन एक्स एक्स डैश को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश को क्या बोलेंगे, हम वाई एक्सिस बोलेंगे। और ओ एक्स वाली क्या हो जाएगी, इसको बोले ओ से एक्स तक की जो लाइन है ये हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओ एक्स डैश क्या हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्स एक्सिस। एंड ओ वाई क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। एंड ओ वाई डैश ये हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा कार्टीजन सिस्टम है। इसी को प्लेन के अंदर क्या बोलेंगे हम, कार्टीजन सिस्टम भी बोल सकते हैं, कार्टीजन प्लेन भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। कौन सा प्लेन भी बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन हो गया। ये हमारा कार्टीजन सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ठीक है। क्या क्या बोल सकते हैं इसको, कार्टीजन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको मैं लिख देता हूँ, कार्टीजन सिस्टम, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई प्लेन, कुछ भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन। और मैंने आपको पहले ही बताया था ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया रेने डिस्कार्ट्स नाम के मैथमेटिशियन ने दिया था, उसी के नाम पे उसको सम्मान देने के लिए इसको कार्टेशियन सिस्टम का नाम भी बोला जाने लगा, ठीक है। ये रेने डिस्कार्ट्स ने करवाया, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा, कोऑर्डिनेट प्लेन हो जाएगा। अब उसके बाद
हम ये देखते हैं कि हमारे मैथ के लिए ये किस प्रकार से तो यूजफुल है और किस प्रकार हमारे बेसिक चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या कुछ करना होता है। तो इसमें क्या है, किसी भी पॉइंट को लोकेशन, किसी भी पॉइंट की लोकेशंस का ही पता लगाना होता है इसमें। जैसे मैं इसको इस प्रकार से थोड़ा और आगे इसका पढ़ेंगे इसमें। ये इसकी कुछ बेसिक चीजें थी। देखो अब मान लिया कोई भी पॉइंट ले लिया पी, पी पॉइंट मैंने रख लिया आपकी बार यहां पर। पी पॉइंट की क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वाई एक्सिस से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, और फिर एक्स एक्सिस से हम इसकी क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर करेंगे। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट हमारा क्यों यहां पर, और कोई ले लेते हैं, क्यों हो जाएगा ये, क्या मेजर करनी होगी इसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ द पॉइंट क्यों फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर करेंगे अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द वाई एक्स एक्स एक्सिस मेजर करेंगे अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शंस ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। इस प्रकार से हम इसके वो करेंगे, जो ये डिस्ट ओरिजिन से ये वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको क्या बोलेंगे, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली इस पॉइंट से वाई एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम अलोंग वाई एक्सिस, इसको हम वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। इस पॉइंट क्यों का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इतना होने के बाद जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दो हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को तुम क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे हम, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, एब्सिसा। क्या बोलेंगे इसको, एब्सिसा। एंड वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। ये कुछ बेसिक चीजें हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और आगे की थी। जैसे इसमें आज हमने क्या डिस्कस किया है, ओवरऑल इसके अंदर डिस्कस किया है कि कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हम कोई भी दो नंबर लाइन लेंगे, एक का नाम एक्स एक्स डैश है, दूसरी का वाई वाई डैश है, उसको एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, इस पर कहाँ पर परपेंडिकुलर होंगी, ओरिजन के ऊपर। उसको पॉइंट का नाम क्या करेंगे हम, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स एक्स डैश को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, वाई वाई डैश को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस ऑफ द कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन जो भी है, ठीक है। उसके बाद ओ एक्स को क्या बोलेंगे, नेगेटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस, या ओ एक्स डैश को, इस ओ एक्स को तो बोलेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस, ओ एक्स डैश को नेगेटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली ओ वाई को पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ वाई एक्सिस, ओ वाई डैश को नेगेटिव डायरेक्शंस ऑफ वाई एक्सिस। उसके बाद हमने इसकी पॉइंट्स मेजर किए थे, पॉइंट्स की कोई भी डिस्टेंस निकालनी हो, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसका इस पॉइंट से वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, वाई एक्सिस से, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स एक्सिस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाएगा, एब्सिसा, एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाएगा, ठीक है। ये हमारा कुछ बेसिक थी, इसी के बिहार पर हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।